सामाई नाजरीन और प्यारे दर्शकों का बुलंदशहर की सरजमी से जाहिद अली का आदाब नमस्कार सत श्री अकाल हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे व्यूअर्स, आज हम वहाँ पहुँचे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स और दर्शकों के टेलीफोन भी आए, ईमेल्स भी पर्सनली मेरे ईमेल पे कि ये अनुपशहर बुलंदशहर सिटी से जो ये रोड जा रहा है अनुपशहर के लिए जहांगीराबाद अनुपशहर, ये यहाँ पर 4-5 महीने पहले आप देख सकते हैं, ज़रा दिखाइए, यहाँ पर किसी डिपार्टमेंट ने, वाटर वर्क्स नगर पालिका ने या फिर सीएनजी की यहाँ पे पाइपलाइन जो भी है, अलग अलग लोगों की यहाँ राय है। बहरहाल ये पीडब्ल्यूडी आज तक इसके गड्ढे नहीं भरवा पाए। आप दिखाइए कि यहाँ पे सुबह शाम और दोपहर हमेशा ज़रा से गड्ढे की वजह से ये हाईवे है और यहाँ पे कितना जाम लगता है, ये देखें आप। तो अपने आप में बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद, एक यहाँ पे सारे जनप्रतिनिधि निकलते हैं, स्कूल के बच्चे, मरीज, सारी चीज़ें, वकील, डॉक्टर वगैरह आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली। बुलंदशहर की सबसे बड़ी मंडी भी यहीं पर है और यहाँ से सब आवागमन होता है और मोस्टली बहुत बड़ा गांव देहात का क्षेत्र इस रोड से ही गुजरते हैं लोग। तो प्यारे व्यूअर्स, अभी देखेंगे आप, यहाँ पर हर एक आदमी को ब्रेक लेना पड़ता है और देखिए, दिखाते रहिए प्लीज़। ये देखिए, मोटरसाइकिल वाले भाई साहब ने ब्रेक लिया और ट्रैक्टर ट्रॉली को भी दिखाई। अभी ये यहाँ पे अपने आप में बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से फंड में कोई कमी नहीं है शासन प्रशासन में, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन में कमी और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं, ये देखिए आप, ये देखें, ये घोर लापरवाही है अफसरों की कि ज़रा सा काम होता है तो सबसे पहले उस डिपार्टमेंट को सूचना देनी चाहिए और जब हो जाए तब उसके बाद सूचित करना चाहिए, ताकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या जिस डिपार्टमेंट में इस सड़क का मेंटेनेंस है वो समय रहते उसको रिपेयर कर दें। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी, आप देखें ट्रैफिक जाम, ये इनकी स्कूटी फंस गई, रुक गई। तो अपने आप में बहुत ही इस तरीके के, ये यहाँ पर एक आगे दिखाएं प्लीज़, आज लेके आएं, ये सामने अनुच्छेद रोड है और आगे भी यहाँ पे बिल्कुल जो नई मंडी चौकी और जो हमारी नवीन मंडी है उसके आगे भी देखिए, स्कूल के यहाँ पर संतोष इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों की बस आई है और देखिए ये भी ब्रेक लगा के यहाँ पे। तो अपने आप में आप देख सकते हैं और ये बहुत ही, देखिए जाम दिखाइए, जाम दिखाएं। सुबह में मैं खुद यहाँ पे मैंने देखा, आप इधर लेके आइए, तो बहुत ही, जी आइए इधर आइए। तो ये देखें, ये मरीज़ को लेके जा रहे हैं और देखें आप। तो अपने आप, जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर उस्मान अली। जी उस्मान भाई, बताएं, ये 4-5 महीने से लोग बता रहे हैं सर, ये तो हाँ गड्ढा तो हो ही रहा है, ये किसी डिपार्टमेंट ने या गड्ढा खोदा उसके बाद भराया नहीं गया? नहीं भराया था। अच्छा, सड़क को खोदा है, गड्ढा नहीं, सॉरी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब से, क्या कहना चाहते हैं? एक जरा सा काम है, देखिए ये दिखाते रहिए थोड़ा थोड़ा, ये सर फिनिश हो जाए तो ये जाम नहीं लगेगा, ट्रैफिक वगैरह नहीं लगेगा, हाईवे रोड है सर ये। स्कूल के बच्चे देखिए, वैन आती हुई, संतोष इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को स्कूल की बस दिखाते रहिए प्लीज। हम चाहेंगे डीएम साहब से कि तत्काल प्रभाव से ये जो है, देखिए स्कूल के सारे बच्चे यहाँ पर, सेंट मोमना स्कूल है, संतोष इंटरनेशनल स्कूल है और छत्रपति शिवाजी महाराज कॉलेज स्कूल है यहाँ पर, देखिए जाम लग गया, देख सकते हैं प्यारे व्यूअर्स, देखिए ज़रा से एक सड़क के गड्ढे की वजह से दिखाइए आप, जाम लग चुका है, हर 5-10 मिनट में जाम की स्थिति हो जाती है और अपने आप में बहुत दुखद है। बहुत बड़ा देहात क्षेत्र को ये रोड कनेक्ट करता है, आगे ये जहांगीराबाद अनुपशहर और आगे निकल जाता है आपका नरोरा तक और संभल मुरादाबाद, ये देखिए दिखाइए। तो अपने आप में बहुत ही अफसोसनाक बात है जी, क्या कहना चाहेंगे इस सड़क, ये जो सड़क खोद दी ये 4-5 महीने से बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे, बहुत जाम, लोग जाम लगता है
और एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं यहाँ पे। देखिए अभी दिखाते रहिए, सामने दिखाए, देखिए हाईवे है, मेन हाईवे है, जनता बहुत परेशान है, मेन हाईवे है जी, इसलिए बहुत दिक्कत है। हाँ दिक्कत है, बहुत दिन से परेशान है हम भी, हमें निकलने पड़ने परेशानी है ज्यादा। देखिए यहाँ भी दिखाते रहिए आप, ये देखिए हर एक वाहन को यहाँ रुकना पड़ता है और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते हैं, जाम की स्थिति होती है, स्कूल के बच्चे सब यहाँ पर। तो हम यही चाहेंगे बुलंदशहर प्रशासन इस बात में कोई दो राय नहीं है, तत्कालीन DM रविंद्र सिंह कलेक्टर साहब ने भी यहाँ पर समय रहते, अभी काली नदी रोड तहसील बुलंदशहर तहसील रोड बाईपास सारे गड्ढे भरवाने का काम किया, लेकिन ये रह गया है, ये दुर्भाग्य है। और कहीं ना कहीं घोर देखिए देखिए ये देखिए गाड़ी स्कूटी यहाँ पे वैन रुक जाती है और बंद हो जाती हैं गाड़ियाँ, आप देखते रहिए। कॉलेज के स्कूल के बच्चों को परेशानी हो रही है और ट्रैफिक देखें आप, जबकि ये इतना हाईवे है मेन और बहुत अच्छा रोड है नूशहर। जितने भी व्यूअर्स हैं आपको मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, अनुच्छेद रोड आगे बहुत शानदार है, आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली या नोएडा में नहीं चल रहे हैं रोड पर। तो प्लीज़ हम यही चाहते हैं कि ये यहाँ पर ये जी क्या कहना चाहेंगे, ये इससे परेशानी क्या हो रही है? इससे तो बहुत बड़ी परेशानी है साहब, बच्चों को दिक्कत, जाम लग जाता है यहाँ पर, एक्सीडेंट जी बहुत जाम लगता है। DM साहब से क्या कहना चाहते हैं? DM साहब से ये साहब इसको कर रहा है साहब, भर जाए इसको बनवा दें जी साहब, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, नहीं ज्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन सुबह शाम डेली परेशानी होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो अली हसन। अली हसन भाई परेशानी होती है आपको इससे? ना मैं कुछ देखो, ये भी एक अपने किसान भाई हैं और मैं आपकी बाइक लेते हैं अभी हम, यहाँ पर कुछ साथी हैं इनके भी, आपकी बाइक ये दिखाते रहिए, ये प्लीज़ दिखाते रहें, ये दिखाते रहिए दिखाते रहें, ये देखे देखे मरीज़ को लेके जा रहे हैं, महिला को और सब, हर एक बस कार ट्रेनरी स्कूटी सभी को। और ये भाई साहब ये जो यहाँ पर 4-5 महीने पहले किसी डिपार्टमेंट ने पाइपलाइन को सही करने के लिए या डालने के लिए ये खोदी और उससे आज तक ऐसी पड़ी है, क्या परेशानी होती है? ऐसी पड़ी है भाई साहब, बहुत बड़ी दिक्कत होती है जाम, ये जो दो जगह ऐसी बनी हुई है, एक इधर एक उधर, एक आगे भी है ऐसा, एक आगे, हाँ बहुत बड़ी परेशानी, मंडी के गेट से आगे, हाँ बहुत बड़ी परेशानी, 4-5 महीने से गड्ढे नहीं भरे, कई बार भर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी सही नहीं रहते ये। अच्छा सही से नहीं भर पाते ये। क्या कहना चाहेंगे DM साहब को आप? क्या DM साहब तुरंत इसे सही कराएं, इसमें कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है, बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है इससे किसी दिन। चलिए शुभ नाम क्या आपका? मुकेश अग्रवाल, मंडी अध्यक्ष। अरे ये तो आप तो मंडी से आपका ताल्लुक है और आपका संगठन और सरकार आपकी है और उसके बावजूद ये हालात हो रहे हैं। कई बार वो कोशिश कर चुके हैं लेकिन ढंग से नहीं भर पाए हैं वो। चलिए अग्रवाल जी, आपका बेखौफ हमारे चैनल में, हम सबके चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा उम्मीद करते हैं कि DM साहब आज इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन ले लेंगे, जनहित के संज्ञान में आप डालें जी। DM CP सिंह जी, जी पक्का, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो प्यारे व्यूअर्स, अग्रवाल जी हैं जो कि व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं और आगे जो मंडी है, नई मंडी बोलते हैं जिसको, नवीन मंडी, उसके ऑर्गेनाइजेशन में ये सचिव पद पर हैं, उन्होंने भी गुहार लगाई। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, एक आगे भी मैं दिखाऊंगा, इधर दिखाइए प्लीज़ ज़रा, आगे जो है सामने ये यहाँ से लगभग 200-250 मीटर पे राइट साइड पे सीधे हाथ की तरफ को यहाँ पे मंडी का गेट है, उसी से थोड़ा सा आगे इसी तरीके से यहाँ पर ये जी बताएं, ये गड्ढा ही ना भरा, पूरा रोड खराब हो रहा है यहाँ से, आगे भी ऐसे ही है, आगे भी ऐसा ही है, ये 4-5 महीने से बता, 4-5 महीने से ऐसा ही है। अच्छा, पानी आगे ले आइए, इधर आइए, पानी भर जाता है आगे नहीं, पानी नहीं लेकिन देखना ज्यादा खराब है रास्ता, हर एक को यहाँ पे रुकना पड़ता है। हाँ जी, ज्यादा है, रास्ता खराब है। तो DM साहब से क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं, ये रोड सही हो जाना चाहिए सर, जरा सा टुकड़ा है बस, जा बात जी चले ठीक है, ये 2.5-3 मीटर का टुकड़ा है सर। हाँ।
ये सही हो जाना चाहिए, पब्लिक को फायदा हो जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख दिखाते जाइए, देखिए तो प्यारे वो अपने आप में बहुत ही मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं क्या कहूँ। एक छोटा सा काम है, सिर्फ घंटे दो घंटे, ये शाम को रात को भी यहाँ पे अभी काम चल रहा है यहाँ पे, तो इसे भरवाया जा सकता है। और चार पाँच महीने हो गए, और सबसे दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे समाज का ये है कि सरकारी काम में जब भी किसी डिपार्टमेंट को आवश्यकता पड़ती है रिपेयर या मेंटेनेंस की, तो सड़क को तो खोद दिया जाता है, लेकिन काम होने के बाद में उस सड़क का भरा नहीं जाता है, और जनता जाए भाड़ में। और जनता भी आप देखती है, जनता भी इतनी यहाँ पर अपने आप में, उनको भी वो कहना चाहिए कि जब तक सर से पानी ऊपर नहीं जाता, जनता भी यहाँ पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं होती है। आइए 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 आइए, तो दिखाते जाइए जाम। और यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो जो हैं जनता के, पांच यहाँ पर विधानसभा हैं, पांच एमएलए हैं, अनूप शहर के जो विधायक है वर्तमान संजय शर्मा जी, वो भी निरंतर इस ओर प्रशासन से अवगत कराते रहते हैं प्रशासन को। लेकिन देखिए बहन जी कितनी हमारे यहाँ पे सबको परेशानी, दिखाते जाइए। और जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देखते हैं और कहाँ जहाँ तक पहुँचती है वीडियो, दिखाते जाइए जितनी परेशानी है, ये दिखाते जाइए ज़रा यहाँ से दिखाते जाइए। हर एक गाड़ी को रुकना पड़ता है, ट्रैफिक जाम होता है। अम्मा जी थोड़ा इधर हो जाइए, देखते जाइए प्यारे व्यूअर्स। तो कम से कम शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जनहित के लिए, और यहाँ पर ये गड्ढा भरना चाहिए। रामेश्वर लोधी जी यहाँ पर रामेश्वर भाई साहब आदर नमस्कार। देखिए ये भी जनप्रतिनिधि हैं। रामेश्वर भाई आपकी सरकार है, सरकार होते हुए गड्ढे क्यों नहीं भराए जा रहे, कितनी परेशानी है। ये सरकार की लापरवाही है सब जो भी। और यहाँ पर प्रशासन कोई भी किसी को देखने को तैयार नहीं है। तो डीएम साहब अब नए आगे क्या कहना चाहेंगे? अब डीएम साहब करा देंगे तो बेहतर होगा। चले ठीक है। ये रामेश्वर लोधी जी हैं, सामने ही रहते हैं, और बुलंदशहर की एक हस्ती में इनका नाम आता है। और जनप्रतिनिधि देखिए आप देखते जाइए प्यारे व्यूअर्स, मैं किसी पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा। देखिए आप देखते जाइए, देखिए आप और अपने आप में देखिए, मेन हाईवे पे इस ये चार पाँच महीने से ये हालत है, किसानों को कितनी तकलीफ, मरीजों को। ये देखें दिखाइए, इधर दिखाइए, जाम जाम हर दो मिनट में तीन मिनट में यहाँ पे जाम लग रहा है। तो अपने आप में ये दिखाइए आप, ये देखिए सब, तो बहुत ही अपने आप में। आइए 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 आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल। राहुल भैया बेकऑफ हवा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ये इस गड्ढे के बारे में क्या कहना है? धूल बहुत है भाई साहब यहाँ तो, और यहाँ पे तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है। एक फ्लाईओवर होना चाहिए यहाँ को सीधा। अरे फ्लाईओवर तो बात की, गड्ढा तो भरवा दिया जाए, गड्ढा ही भरवाओ। और पानी रुके है यहाँ बहुत ज्यादा, मच्छर आ रहे हैं और डेंगू फैल रहा है। अरे आप ये बताए हमें, डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये गड्ढे वड्ढे भरवाओ, यहाँ धूल बहुत उड़ रही है। चले ठीक है राहुल भैया, थैंक यू। देखिये तो प्यारे व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, आगे कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखिए ये देखें किसानों के लिए, देखें ट्रैक्टर ट्रॉली कितनी परेशानी, पीछे ट्रैफिक जाम होता हुआ, बड़ा वाहन आता है तो फौरन ट्रैफिक जाम होता है। दिखाते रहिए, यहाँ दिखाइए इधर सामने, हर एक वाहन को ब्रेक लेने हो पड़ते हैं, बड़े वाहन से लेके छोटे वाहन तक, फोर व्हीलर से दो पहिया वाहन, और एक जाम की शक्ल। बहरहाल प्यारे व्यूअर्स फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, आगे भी कोशिश करता हूँ आपको, जो आगे इसी तरीके से कर दिया गया है किसी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उसको भी कवर करता हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद।